साथियों, ये डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 5 मिनट का है। स्टार्ट। मान्यवर, हमारे भाई जी ने जो अभी तकरीर की, उसने एक मूलभूत प्रश्न पैदा कर दिया है कि पिछड़े हुए या हरिजनों को विशेष सुविधाएं देने से उनके अंदर हीनता का भाव पैदा होगा और उनके दिमाग में हीन भाव की ग्रंथि बनी रह जाएगी। सवाल बड़ा गंभीर है। मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति में जो आज हमारे भाई पिछड़े हुए हैं, खासकर उसमें हरिजन भाई, उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर उन्हें बाहर से उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए अगर कोई सहायता न दी जाए तो स्वतः आपने आप वह उठ पाएंगे। वह संदेहास्पद बात है और उठने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी, दूर और देर की हो जाएगी। इसलिए मेरा अपना विचार है कि जो बाहरी सहायता उनके विकास और उत्थान में दी जा रही है, वह कायम रहनी चाहिए। जहाँ तक उसकी नुमाइंदगी के अनुपात का सवाल है, जो भाई मैनेजर साहब ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसको मानने में सरकार को कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब संसद में विधान मंडल में उनकी नुमाइंदगी उसी अनुपात पर है तो फिर नीचे की संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व उस अनुपात से न हो, इसका कोई कारण नहीं है। इसलिए अनुसूचित भाइयों का प्रतिनिधित्व इन समितियों में वही होना चाहिए जो जनसंख्या में उसका अनुपात है। हमारे भाई उदल जी ने कहा है कि जब 18% उनको सर्विसेज में स्थान देने की बात कही जा रही है और सरकार बराबर इस सिद्धांत को मानती है और यह भी कहती है कि अमल में उसको लाने की चेष्टा कर रही है, तो फिर इन जनतांत्रिक कमेटियों में या घटकों में उनको स्थान कोई न दिया जाए। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी नुमाइंदगी उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में वह हमारी जनसंख्या में है। 18% हमारी कुल जनसंख्या में उनका अनुपात है, तो 15% मानने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार इस आधार पर जरूर स्वीकृति प्रदान करे। कई देशों के अनुभव भी इस बात को बतलाते हैं कि पिछड़े हुए लोगों की उनकी संख्या से भी ज़्यादा नुमाइंदगी देकर उनके मनोबल को ऊंचा किया गया है। सोवियत यूनियन का अनुभव भी इस बात को बताता है कि पिछड़े हुए लोग, खासकर बुखारा के नवाब की रियासत जो तुर्किस्तान में थी, उसमें 5 कबायली जातियां थीं, उनके साथ विशेष रियासतें प्रदान की गई थीं, उनकी संस्कृति और भाषा के विकास के लिए, उनकी चतुर्मुखी विकास के लिए
सभी प्रयास किए गए और अन्य इलाकों में जिनका पहले से विकास था उनका विकास किया गया और उनका कार्यक्रम बहुत ऊंचा था, इसलिए हमारे पिछड़े हुए भाई जो